बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम दोस्तों, मैं वसीम राम, देखिए मेरा यूट्यूब चैनल वसीम अल्ताफ। तो यहाँ पर शुक्र है आज का ज़बरदस्त और बेहतरीन मुकाबला। आज का मुकाबला दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शानदार मुकाबला बेहतरीन अंदाज के साथ है शुरू। ये मतलब मुकाबले जितने हो रहे हैं ना अभी फ्रेश मुकाबले थे नहीं हो रहे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मौसम चल रहा है गर्मियों का। और मुकाबले जितने भी हैं मेरे पास थोड़े थोड़े से मौजूद हैं और वो वाले मुकाबले मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मुकाबला हो रहा है बड़ा अच्छा ज़बरदस्त और बेहतरीन अंदाज के साथ। देखते हैं आज कौन सी पार्टी जीती है। एक तो जवेद हो जाएगा, तो जवेद है उसके साथ सईद है, दूसरी जो पार्टी हो जाएगी वो जैद बुज़दार की है। मतलब मुकाबला शानदार रहेगा बेहतरीन अंदाज के साथ शुरू है। देखते हैं आज क्या बनता है, किसको मौका मिलता है इस बार ज़्यादा कबूतर पकड़ने का। एक नए मुकाबले की शुरुआत ज़बरदस्त अंदाज के साथ। उमन वैसे जैसे मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे आखिर में रिजल्ट के साथ।
सीटी मरने कबूतर को पता लग जाता। पूरा बादशाह है नमाज वाला भी शो तो डिठे थी रह दे उसे ना उठा मुल्तान ही उ
बैठा है। खेरी मार रहे हैं ओपो ने एक मार ही नहीं यू नो ओपो का ये थंबनेल वास्ते का थंबनेल कोले पर मार थंबनेल का फोटो जरा चेक करना ब्यूटी लड़की होना 14 वां तो होगी लग गया कोई नहीं रात को पीछे आगे रात में सर वो देखो वो आगे होंदे हैं पीछे तो आगे होंदे ना हां Oh, 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 oh,
Thank you.
ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਕੁੱਟੀ ਸੱਟ ਦੇ ਦਾ। ਬੋਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਵੇ ਮਾਰੀ। ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਹ
देखें आप बड़ी ही मेहनत कर रहा है सईद इस बार कबूतरों को किसी ना किसी तरह पकड़ने की। ज़ायद ने अभी तक इनका एक कबूतर पकड़ा हुआ है, लेकिन सईद इस बार यार बड़ी ही मेहनत कर रहा है कबूतर को पकड़ने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत, कबूतर आ भी रहा है लेकिन भूल पर देखें अभी उड़ कर जा गया। मैंने अभी ये जूम आउट किया हुआ है ताकि आपको क्लियर देख पाए कि कबूतर कहाँ पर फंसा हुआ है। मैं फिर जूम कर देता हूँ, कभी जूम आउट कर देता हूँ, कभी मतलब मुकम्मल जूम कर देता हूँ, ऐसा चलता रहता है यार। ये देखें अभी मैंने जूम कर दिया, अभी एक चोट बाकी है, एक ही चोट पर इनका मुकाबले का पता चल जाएगा। अभी तक जैद बुजदार ने एक पकड़ा है, सईद ने एक कबूतर भी नहीं पकड़ा। बाकी ये थोड़ा सा कैमरा मुझसे घूम गया क्योंकि यार मोबाइल गिर गया था, तो अभी मैं इनको सीधा लाजम कर देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो कारा देखने में। देखें आप बड़ी ही मेहनत कर रहा है सईद इस बार कबूतरों को किसी ना किसी तरह पकड़ने की। ज़ायद ने अभी तक इनका एक कबूतर पकड़ा हुआ है, लेकिन सईद इस बार यार बड़ी ही मेहनत कर रहा है कबूतर को पकड़ने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत, कबूतर आ भी रहा है लेकिन भूल पर देखें अभी उड़ कर जा गया। मैंने अभी ये जूम आउट किया हुआ है ताकि आपको क्लियर देख पाए कि कबूतर कहाँ पर फंसा हुआ है। मैं फिर जूम कर देता हूँ, कभी जूम आउट कर देता हूँ, कभी मतलब मुकम्मल जूम कर देता हूँ, ऐसा चलता रहता है यार। ये देखें अभी मैंने जूम कर दिया, अभी एक चोट बाकी है, एक ही चोट पर इनका मुकाबले का पता चल जाएगा। अभी तक जैद बुजदार ने एक पकड़ा है, सईद ने एक कबूतर भी नहीं पकड़ा। बाकी ये थोड़ा सा कैमरा मुझसे घूम गया क्योंकि यार मोबाइल गिर गया था, तो अभी मैं इनको सीधा लाजम कर देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो कारा देखने में। ये हाथ से गिर गया यार, हाथ का ही मसला था। तो आज का जो मुकाबला था काफ़ी बेहतरीन गया, ज़बरदस्त तरीके से कबूतरबाजी हुई, जिस तरह से देखा जाए मतलब वैसे ही कबूतरबाजी, काफ़ी ज़्यादा बड़े अच्छे और ज़ोर शोर के साथ। आज का मुकाबला मतलब दोनों पार्टियों ने मेहनत करके एक एक कबूतर पकड़ा, एक कबूतर मतलब जवेद की पार्टी ने, एक कबूतर जहेद की पार्टी ने, तो मुकाबला बराबर हुआ एक एक कबूतर से। कल इंशाल्लाह एक सरगार बड़ा मुकाबला है, वो मैं आपको लाजम दिखाऊंगा, सरगार कबूतरबाजी। मेरी साइड में यहाँ पर यार कबूतरों के जो ना बड़े ही इम्तहान होते हैं, सरगार कबूतर वापस भी नहीं करने होते हैं, ऐसे मुकाबले होते हैं, काफ़ी ज़ोर शोर के साथ होते हैं। तो कल इंशाल्लाह जो मुकाबला हो रहा है ना वो बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त है, वो वाला मुकाबला आपको लाजम दिखाऊंगा। आपने आज की वीडियो को लाइक भी करना है, मेरे चैनल वसीम को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि दोनों पार्टियां बराबर हो चुकी हैं एक एक कबूतर से।